आज हम बना रहे हैं परवल का भजिया। इसे मसाला परवल कहा जाता है, भाजा कहा जाता है, वैसे हम लोग इसे भाजा बोलते हैं। ये खाने में भी बहुत टेस्टी होता है और बनाने में भी बहुत ज़्यादा आसान होता है। अब इसमें हम आपको ये बताने वाले हैं कि इस तरीके के परवल में कौन सा मसाला डालें, सूखा वाला या फिर गीला वाला। किस तरीके के मसाले डाल करके ये ऐसे बनते हैं जैसे कि मसाला अंदर और बाहर हर तरफ दिखाई दे। आप देख सकते हैं इसमें हर तरफ आपको मसाले दिखाई देंगे, कहीं भी आपको परवल का बिया, अंदर का जो गुद्दा होता है वो नहीं दिखाई देगा। हर तरफ से मसाला दिखाई दिया है, लेकिन इसमें मसाला भर ही नहीं गए हैं, मसाला ऊपर से ही डाला गया है, लेकिन फिर भी दिखाई दे रहे हैं। कैसे दिखाई दे रहे हैं वो सारी चीज़ हम बताएंगे। तो चलिए रेसिपी हम शुरू करते हैं। यहाँ पे हमने 1 किलो परवल लिया है और परवल को हमने 2 पार्ट में इस तरीके से काट लिया है। बिया हमने अलग नहीं किया है। तेल गरम हो चुकी है, जो कुकिंग ऑयल हम हमेशा यूज़ करते हैं। हमेशा की तरह ऐसे हमने परवल डाल दिया। कुछ लोग परवल के छिलके को हल्का हल्का निकालते हैं, लेकिन हमने ऐसा कुछ भी नहीं किया है, डायरेक्ट काटा है और डाल दिया है इसको। तो ऐसे ही कर सकते हैं क्योंकि अभी बहुत ताज़ा है परवल, तो ये ऑलरेडी सॉफ्ट होता है। जो परवल सॉफ्ट नहीं होता है उसके ऊपर से छिलका निकाली जाती है। सबसे पहले हम यहाँ परवल को थोड़ा सा फ्राई कर रहे हैं ऑयल में, ताकि थोड़ी सी नरम हो जाए। यहाँ पे हम थोड़ी सी चीनी डाल रहे हैं, आधा चम्मच के करीबन। घबराने की ज़रूरत नहीं है, ये मीठा नहीं होगा। सिर्फ जो परवल हरा हरा है ना, वो हरा ही रहेगा, वो मसाले की वजह से ब्राउन या काला नहीं होगा, ये ग्रीन ही रहेगा। इधर हम परवल को फ्राई कर ही रहे हैं, तब चलिए मसाले तैयार कर लेते हैं। उसके लिए हमने सूखी लाल मिर्च 1 चम्मच, पचफोरन डाल दिया, 1 चम्मच धनिया डाल दिया है यहाँ पे, यहाँ पे 2 हरी और 2 काली वाली इलायची डाल दिया है, आधा चम्मच जीरा डालेंगे, 6-7 लौंग डाल देंगे। इसे हल्का सा हम रोस्ट करेंगे। रोस्ट करने के टाइम में फ्लेम जो है लो टू मीडियम पे रखना है, क्योंकि अगर हम इसे जला देंगे तो इसका टेस्ट खराब हो जाएगा। इधर हमारे परवल देख सकते हैं एकदम नरम भी हो गया है और एकदम हरी हरी है। अब ये भुने हुए मसाले को हम पीस लेते हैं और इसका स्मूथ पाउडर तैयार करेंगे। अब परवल में आधा चम्मच हल्दी डाल देते हैं। ये लास्ट तक जो इसका छिलका है वो हरा ही रहेगा। मीडियम फ्लेम में इसको हम अच्छे से हल्दी को मिला लेते हैं। अब चलिए हम मसाले जो पाउडर बनाए हुए हैं वो डाल लेते हैं। मसाले के डालते ही फ्लेम थोड़ा सा लो कर देना है, ताकि मसाला चिपक ना जाए, और इसको अच्छे से मिला देना है। मसाले को हमने मिला दिया है, अब स्वाद अनुसार नमक डालते हैं और फिर नमक को भी अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। मसाला, नमक, सारी चीज़ों को हमने 2 मिनट तक अच्छे से भुना है और इसको एकदम सेंटर में कर दिया है, ताकि ऑयल और भाप दोनों इसको मिले। अब इसको सेट होने के लिए हम आधे मिनट तक लो फ्लेम में ढक लेते हैं। आधे मिनट बाद हमने खोला तो मसाले भी अच्छे से पक चुके हैं और परवल भी नरम है। सारी चीज़ें बहुत अच्छे से पके हैं और बहुत अच्छे से मिल गए हैं एक दूसरे से। इसमें हमें मसाले को भरने की ज़रूरत नहीं पड़ी और कुछ एक्स्ट्रा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं पड़ी है। बहुत ही टेस्टी ये वाले मसाले परवल लगते हैं। इसको आप किसी भी पराठे के साथ खा सकते हैं या फिर इसको चावल के साथ खाइए, और भी ज़्यादा टेस्टी लगेगा।
तो मसालेदार और एकदम टेस्टी वाले परवल की ये रेसिपी आप ज़रूर से ट्राई करिएगा, और पसंद अगर आती है तो उसको लाइक भी करिएगा, और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। हम ऐसे ही वीडियो हमेशा लाते रहते हैं, जो कि बहुत इजी भी होता है और बहुत ज़्यादा टेस्टी होता है।